दोस्तों नमस्कार, बात करेंगे यहाँ पे संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं मध्य प्रदेश ने नर्सिंग अफसर पद के पद स्थापना किए जाने के लिए जिलों हेतु विकल्प के लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट health.mp.gov के माध्यम से यहाँ पे अपडेट जारी किया गया है, जहाँ पे छात्रा का नाम, इनरोलमेंट नंबर, पिता का नाम, जन्मतिथि, छात्रा का जन्मतिथि और यहाँ पे आपका मार्कशीट, 12th पास, कक्षा 12वीं जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एवं बायोलॉजी के सभी अंक यहाँ पे आपको फिल करके सबमिट करना है। और इस वाले दोस्तों पेज को आपको डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड करके सारी चीज़ आपको फिल करना है। और नर्सिंग महाविद्यालय का नाम जहाँ से आपने उत्तीर्ण किया है वो सारी चीज़ यहाँ पे फिल करना है। बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर की सारी चीज़ यहाँ पे पूर्णांक, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और टोटल यहाँ पे आपको फिल करके ईमेल करना है। और यहाँ पे आपका ईमेल, मोबाइल नंबर, निवास का पता सभी कुछ फिल करना है। और पद स्थापना हेतु प्राथमिकता के आधार पर जिलों का विकल्प, समस्त विकल्प भरना अनिवार्य रहेगा दोस्तों। तो यहाँ पे जितने भी आपके मध्य प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट हैं सभी डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे आपको फिल करना है। सबसे पहले जिस भी डिस्ट्रिक्ट को आपको प्राथमिकता देनी है, जहाँ पे पहले आपको पोस्टिंग लेना है उसको सबसे पहले फिल करना है, उसके बाद फिर सेकंड, थर्ड, इस तरह से आपको वन बाय वन करके टोटल यहाँ पे देख पाएंगे 39 डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया गया है। और यहाँ पे क्या बताया है नोट में, छात्राओं द्वारा उपरोक्त वर्णित विकल्प का चयन नहीं किया जाता है तो विभाग द्वारा निर्णय लिया जाकर किसी भी जिले में आवंटन किया जा सकेगा। घोषणा पत्र, और यहाँ पे दोस्तों आपका घोषणा पत्र में नाम फिल करना है। यहाँ पे शपथ पूर्वक कथन करती हूँ कि मेरे द्वारा प्रस्तुत जानकारी पूर्णतः सत्य है। मेरे द्वारा उपरोक्त दर्शित जिले में समस्त विकल्प का चयन किया गया है। विभाग की आवश्यकता अनुसार पद स्थापना हेतु सहमत प्रदान करती हूँ। यदि जानकारी असत्य पाई जाती है तो लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जो भी कार्यवाही की जाएगी वह मुझे मान्य होगी। और यहाँ पे दोस्तों आपको हस्ताक्षर भी सेट करना है। और यहाँ पे दोस्तों आप डिवीज़न में देख पाएंगे, डिवीज़न के अंतर्गत जैसे ग्वालियर डिवीज़न के अंतर्गत जो डिस्ट्रिक्ट हैं आप यहाँ पे देख पाएंगे, ग्वालियर में सीओपुर, सीएमएचओ में जो नंबर ऑफ पोस्ट है ये सारी चीज़ यहाँ पर दी गई है। ग्वालियर, फिर दतिया डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद फिर भोपाल है, इंदौर के अंतर्गत बड़वानी है, भोपाल में होशंगाबाद सीएमएचओ है, फिर ग्वालियर में भिंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है, फिर सागर में है पन्ना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, इसके बाद इंदौर में झाबुआ सीएमएचओ में है, इसके बाद उज्जैन ने शाजापुर डिस्ट्रिक्ट में है, फिर उसके बाद भोपाल डिवीज़न के अंतर्गत सीहोर सीएमएचओ में है, फिर इसके बाद रीवा और संभाग उमरिया के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है, फिर ग्वालियर संभाग में दतिया सीएमएचओ, सागर संभाग में दमोह सीएमएचओ, ग्वालियर संभाग में फिर गुना, इंदौर में बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ग्वालियर में फिर गुना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, फिर भोपाल में विदिशा सीएमएचओ, इंदौर में अलीराजपुर, फिर ग्वालियर में भिंड, इसके बाद उज्जैन में नीमच डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, इसके बाद फिर से उज्जैन में मंदसौर सीएमएचओ, फिर ग्वालियर में शिवपुरी सीएमएचओ, फिर इसके बाद ग्वालियर में मुरैना सीएमएचओ, इसके बाद फिर दोस्तों जबलपुर, नरसिंहपुर सीएमएचओ, फिर सागर छतरपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सागर दमोह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, उज्जैन आगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और सागर पन्ना सीएमएचओ, फिर इसके बाद में है भोपाल राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। तो इस तरह दोस्तों ये सारे विकल्प हैं आपको यहाँ पे फिल करना है। और टोटल आप देख पाएंगे 39 विकल्प दिए गए हैं, तो जो भी आपको प्रिफेयर करना है फर्स्ट में आपको फिल कर लेना है। अब दोस्तों इसमें आपको शुरू में आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा इसका जानकारी जो अभी जारी की गई है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। यहाँ पे दोस्तों अपडेट जारी की गई है, नोटिफिकेशन 10 फरवरी 2023 डाली गई है। और यहाँ पे देख पाएंगे शासकीय बीएससी नर्सिंग महाविद्यालय उज्जैन एवं जबलपुर केंद्रों से वर्ष 2022 में उत्तीर्ण छात्राओं की नर्सिंग अफसर के पद पर प्रावधिक आवंटन हेतु जिलों के विकल्प प्राप्त करने के संबंध में, अब यहाँ पे आगे पढ़ पाएंगे, ऑफलाइन विकल्प प्रस्तुत करने हेतु दिशा निर्देश, जैसा क्या आप पढ़ पाएंगे, शासकीय बीएससी नर्सिंग महाविद्यालय उज्जैन एवं जबलपुर से वर्ष 2022 में उत्तीर्ण छात्राओं की नर्सिंग अफसर के पद पर आवंटन से संबंधित कार्यवाही हेतु ऑनलाइन विकल्प प्राप्त किए जा रहे हैं। संलग्न निर्धारित प्रपत्र में उत्तीर्ण छात्राओं को स्वयं की ईमेल आईडी से दिनांक 11/2/2023 प्रातः 8 बजे से दिनांक 14/2/2023 रात 12 बजे तक आपको जो ईमेल करना है, bscnursing309
@gmail.com पर आपको पदस्थापना हेतु विकल्प प्रस्तुत करना है। अब दोस्तों जो आपने पहले पेज देखा था ये वाला पेज आपको यहाँ पे डाउनलोड करना है और इसको फिर पूरा फिल करके इसको आपको अपलोड करना रहेगा ईमेल के दौरान में। आगे पढ़ पाएंगे आप दोस्तों, दिनांक 11/2/2023 प्रातः 8 बजे से दिनांक 14/2/2022 रात 12 बजे के पश्चात अवधि में प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। विभाग का निर्णय अंतिम होगा, अतः निर्धारित समय अवधि अंतर्गत ही प्रपत्र प्रेषित किए जावे। और यहाँ दोस्तों नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में क्या है, रिक्त सीटों की सूची पत्र क्रमांक 1 में दर्शित है। काउंसलिंग मेरिट कम चॉइस फिलिंग के आधार पर की जाएगी। यदि अभ्यर्थी के मेरिट अंक समान होते हैं तो जन्मतिथि के आधार पर वरिष्ठता निश्चित की जाएगी। जन्मतिथि समान होने पर बारहवीं की अंकसूची में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के कुल अंकों के मेरिट प्राथमिकता दी जाएगी। नेक्स्ट यहाँ दोस्तों, शासकीय GNM प्रशिक्षण केंद्रों से वर्ष 2022 से उत्तीर्ण छात्राओं की स्टाफ नर्स के पद पर सर्वप्राविधिक आवंटन हेतु जिला में विकल्पी संबंधी आवेदन के प्रारूप प्रति में यहाँ पे अपर संचालक नर्सिंग स्वास्थ्य सेवाएं मध्य प्रदेश सतपुड़ा भवन भोपाल। तो इस तरह दोस्तों आपको सारी जानकारी दे दी गई है। तो आज के इस वीडियो में इतने दोस्तों, और यदि किसी को PDF चाहिए तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी मिल जाएगी। चलिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट भी दिखा देता हूँ दोस्तों, आप यहाँ पर देख पाएंगे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में मैंने ओपन कर लिया हूँ। और आप यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज़ वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करके देख पाएंगे, जैसे कि आपको मैंने दिखा दिया हूँ दोस्तों ये जिस जगह में यहाँ पे इस लिंक में जैसे आप क्लिक करेंगे तो जो आपको PDF में दिखा रहा था वो PDF आपको डायरेक्ट यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। तो आज के इस वीडियो में इतने दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास में कोई लेटेस्ट अपडेट हो तो भी प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। ऑल फ्रेंड, टेक केयर, बाय।